आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अब GSTR 99C का दौर जो है शुरू हो चुका है मेनली। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हम वो मुद्दे जो है सर की राय चाहेंगे उन मुद्दों पे। एक तो सर एक मुद्दा है जहाँ पे परचेज के केस में अगर हम बात करें ITC के केस में जी, जहाँ पे एक क्लाइंट के केस में क्या हुआ कि उसकी परचेजेस थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, परचेजेस 10 लाख रुपए की, उसकी 2 लाख रुपए की परचेज रिटर्न थी, ठीक है। अब उस केस में अगर हम 6A की वैल्यू को हम बाइफरकेट करते हैं 6B में जी जी, और वो ऑटो पॉपुलेट होगी हमारी टेबल 8 में जब जाएगी, तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल, और नेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उस केस में क्या किया जाए? देखो पहले तो ना मोहित जी इस बात को समझो कि पहले जो GSTR 3B थी और जो GSTR 9 थी वो आपस में मैच ही नहीं थी, उन दोनों में डिफरेंस था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सामने टेबल 6A खुली हुई है और यहाँ पर टेबल 6A में ये कहता है कि भाई टेबल 6A में जो वैल्यू आएगी वो टेबल 4A से आएगी 3B से। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर मैं टेबल 4A की बात करूँ तो आप वाले केस में वहाँ पर जो ITC वैल्यू आएगी वो 10 लाख रुपये वाली आएगी, वो नेट ऑफ करके 8 लाख रुपये वाली वैल्यू नहीं आएगी, जबकि आनी वही चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हम क्या करा करते थे 3B में, पहले हम ऊपर, ठीक है ना, ग्रोथ दिखाया करते थे, फिर रिवर्सल किया करते थे, तो यहाँ पर जो टेबल 4A में वैल्यू आती थी वो 10 लाख के ITC वाली आती थी। अब मुद्दा ये है कि रिवर्सल जो GSTR 9 में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टेबल 7 से कि भाई आप टेबल 7 में जाकर रिवर्सल कर दो, और यहाँ पर जो टेबल 6A में वैल्यू आ रही है, लेट सपोज 100 रुपीज़ का ITC है और 20 रुपये का हम मान लेते हैं ITC रिवर्सल है, ये कहता है भाई टेबल 6A में आप 100 रुपीज़ का ITC दिखाओ और 20 रुपये का जो रिवर्सल है वो टेबल 7 में करो, तो नेट ITC तुम्हारा जो है 7J में 80 रुपये का रह जाएगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ चलोगे तो तुम्हारा नोटिस आना पक्का है, क्योंकि टेबल 6A में आपने यहाँ पर 100 दिखाया, लेकिन जब 6B की वैल्यू 100 रुपीस जाती है और वो टेबल 8 से कंपेयर होती है 8A से, तो 8A में कहता है कि भाई यहाँ पर वैल्यू आएगी एज पर 2A और टेबल 3 और 5, यहाँ पर इसने 3 और 5 ले लिया, तो 3 और 5 का मतलब क्या है कि 100 रुपये का ITC, 20 रुपये का रिवर्सल, तो नेट ऑफ करके वैल्यू आएगी 80। तो टेबल 8A में हमेशा नेट ऑफ वैल्यू आती है रिवर्सल वाली। और अगर आप इसे कंपेयर करा दोगे 6B से, तो अगर आप इसे कंपेयर करा दोगे 6B से और 6B में वैल्यू डाली 100, तो 100% ही नोटिस आने के चांस है। तो कई बार क्या करते हैं, मैं जो पर्सनली करता हूँ, आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, मैं तो पर्सनली क्या करता हूँ, मैं टेबल 7 को भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई नहीं भाई मैं टेबल 7 में रिवर्सल नहीं करूँगा, मैं जो अपना रिवर्सल करता हूँ वो मैं 6B में ही कर लेता हूँ, ठीक है ना, टेबल 6A में वैल्यू आई 100, मैं 6B में 100 नहीं लेके जाता, मैं वहीं पर 80 लेके चला जाता हूँ। अब जब मैं वहाँ पर 80 लेकर चला जाता हूँ तो मेरी टेबल 8 मैच हो जाती है। अब आप कहोगे सर इससे तो टेबल 6 मिस मैच हो गई, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, घर में अगर बीवी और माँ है, ठीक है ना, ज़्यादा खतरा तुम्हें किससे है, पहले उसे मनाओ, ठीक है ना। तो टेबल 6A तो मेरी मम्मी की तरह है, ठीक है ना, कि अगर इसमें डिफरेंस आ भी जाता है तो पिटाई नहीं करती, ठीक है ना। लेकिन ये जो टेबल 8 है ना, ये बीवी की तरह है, इसमें डिफरेंस आ जाता है तो नोटिस आ जाता है, तो मैं टेबल 6 में डिफरेंस आने देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम लो वाइज चले, बिल्कुल लो वाइज चले, तो आपको 6B में 100 दिखाओ पूरा, टेबल 7 में रिवर्सल करो 20 रुपये का, तुम्हारा ITC मैच हो गया, लेकिन टेबल 8 मिस मैच हो गया। ये दिक्कत 22-23 तक है, 23-24 के बाद तुम्हें ये दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि वहाँ पर 6A में भी आपकी नेट ऑफ 80 आएगी, 8A में भी 80 आएगी, तो ये झंझट तुम्हें आएगा, बेसिकली 3B में वहाँ पे सही आ जाएगा, तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट, बिल्कुल यही तो शिकायत थी लोगों को, तभी तो इन्होंने 3B के अंदर चेंज करा ये चीज को, ठीक है ना। अब सर इसमें टेबल नंबर 7 जैसे मैंडेटरी है, तो उस केस में कोई इशू नहीं रहेगा? देखो क्या होता है कि मैंडेटरी तो बहुत कुछ है इसमें,
ठीक है ना। अब ये कहता है टेबल 7 की रिवर्सल यहाँ पे करो, ठीक है ना, कहता है लिखा हुआ है कि भाई 37 का या अदर्स रिवर्सल यहाँ करो, लेकिन अगर यहाँ कर देंगे, मैंने क्या बोला, या तो भाई ये टेबल 7 ऑटोमेटिकली रिवर्सल उठा लेता, ये ऑटोमेटिकली उठाता नहीं है ना रिवर्सल भी, तो अगर ये ऑटोमेटिकली रिवर्सल उठाता तो हमारी मजबूरी हो जाती है यहाँ दिखाने की। तो भाई अगर आप इसे 22-23 में स्किप भी कर देते हो, ठीक है ना, तब भी मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं इसी ये जो सारे आपके क्वेश्चन आंसर है सर, ये एक बुक बनाई है GSTR 9 9C की, इसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर ये सारे की सारी केस स्टडी इसमें डाल दिए। आप लोगों ने ना लगभग सर ये 700 कॉपी बिक चुकी है, तो आप लोगों को ये कैसी लगी कॉपी मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करी है तो फिजिकल कॉपीज की ख़त्म होने वाली है, ठीक है ना, तो अगर किसी ने बुक नहीं करी है तो अभी बुक कर लेना इसे। इसमें सर 9C के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं? नहीं, इसमें 9C में भी पूरा डिटेल रखा हुआ है हमने कि 9C में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, क्या क्या मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर भी डाली है। जैसे कि 9C में एक आता है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक टेबल है सर 9C में, एक टेबल है टेबल 5। अब वहाँ पर जो 5 में वैल्यू डाली जाती है तो वहाँ पर वर्डिंग क्या लिखी हुई है, अगर मैं टेबल 5 की बात करूँ, ठीक है, 5A में वर्डिंग लिखी हुई है कि भाई टर्नओवर आपको जो डालनी है वो एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स डालनी है। अब यहाँ पर मान लो दो ब्रांचें हैं, एक दिल्ली है और एक यूपी है, ठीक है ना, दो ब्रांचें दिल्ली और यूपी, और दोनों की टर्नओवर लेट सपोज 2-2 करोड़ है, 4 करोड़ है, तो बैलेंस शीट तो एक ही बनी 4 करोड़। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4 करोड़ डाल देते हैं, वो क्या करते हैं जो वर्डिंग है उस पर जाते हैं, जबकि ये कहता ही नहीं है। वो ये कहता है भाई जब दिल्ली की आप 9C भर रहे हो तो आप दिल्ली की जो फाइनेंशियल्स है वहाँ से डालो, और जब आप यूपी की भर रहे हो तो यूपी की, अब आपको सर बैलेंस शीट तो एक ही है तो मैं तो 4 ही डाल दूंगा, नहीं, वो आपको वर्किंग करनी पड़ेगी और वो आपको निकालनी पड़ेगी टर्नओवर, तभी आप वो डाल सकते हो, ठीक है ना। तो 9C में ये वाले सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इसमें मेंशन करी है किताब में, और हमारा सेशन भी अभी ना सेशन है संडे को, तो अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, 10 दिसंबर को सेशन है हमारा एनुअल रिटर्न, तो कोई ज्वाइन नहीं करा तो अभी तक कर लेना, उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे इस तरीके के अलग अलग मुद्दे जो है GSTR, क्योंकि ये पीरियड ही ऐसा है कि 31 दिसंबर तक एक इसको कहेंगे कि एक हॉट पीरियड है इस चीज़ के लिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से और अलग अलग केसेस है, तो आप जो है सर का वेबिनार जो है ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू।